दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि अभी हम कैनॉट प्लेस में हैं, और आप लोगों को अभी आप पूरा नज़ारा बताते हैं पीछे का। तो इसके बाद हम आश्रम में जाएंगे। तो ये सामने ये जो आपको वाइट बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये पूरी कैनॉट प्लेस राजीव चौक है, और यहाँ पर टिकटॉकर्स और यूट्यूब व्लॉगर्स, प्रैंक वीडियोस मेकर्स, सब लोग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो लोग यूट्यूब टिकटॉक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों को एक ना एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब साफ जगह है यहाँ पर। तो अभी मार्केट तो फ़िलहाल अभी खुली नहीं है, तो आपको यहाँ का ही नज़ारा बता रहे हैं हम, तो थोड़ी मार्केट भी आपको दिखा देंगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Till my shadow turns to sun rays, and I... गाइस, ये वही जगह है यहाँ पर रिपब्लिक भारत की रोज डिबेट शूटिंग होती है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा इस जगह को। सामने पालिका बाजार का जो गेट दिख रहा है, गेट नंबर 2 पालिका बाजार, उसको दिखा देते हैं, वो है, वहाँ पर हमने जाना है अभी पालिका बाजार में। ये पालिका बाजार है गाइस, और यहाँ पर अंडरग्राउंड मार्केट है, और यहाँ पर हर किस्म का सामान मिलता है, वो टिकटॉकर्स यूट्यूब्स वाले कपड़े, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हम आपको अंदर से बताते हैं पालिका बाजार। तो गाइस, अभी यहाँ पर शायद अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, बाहर अंकल बता रहे थे, तो हमने अपना सामान जो है वो चेक करवा लिया है, और अभी हम एंटर हो रहे हैं पालिका बाजार में। तो गाइस ये है पालिका बाजार गेट नंबर 2 का एंट्री पॉइंट, और सामने से मार्केट जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो शायद कोई मना भी कर सकता है हमें यहाँ पर वीडियो बनाने से। तो ये यहाँ पर टॉयलेट आ गया, तो यहाँ से, तो गाइस ये है एंट्री पॉइंट, और वो कह रहे हैं कि कैमरा बंद करो भाई। तो गाइस देख सकते हो आप कितना अच्छा अच्छा सामान मिलता है यहाँ पर आते ही। तो देखो, कपड़े, जीन्स वगैरह सब कुछ, टिकटॉकर्स, यूट्यूब, ओ भाई ने मना कर दिया। तो गाइस भाई के मना करने पे, सबके मना करने पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर शुभ शुभ के। तो मतलब अगर यहाँ पर वीडियो थोड़ी शेक की है, तो थोड़ा सा आपको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ।
तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब टिकटॉक का सारा सामान मिल रहा है, और देखो आपको बैग्स शूज़ सबकी फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, और वो भी चीपेस्ट प्राइजेस में गाइज। तो ये देखो आप कपड़े, और आगे देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की ये जो शॉप है, वो रिंग लाइट भी है उनके पास। तो ये देख सकते हैं आप, बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, अभी ग्राउंड फ्लोर भी है यहाँ पर। तो गाइज मेन जो यहाँ पर होता है, मेन यहाँ पर होता है कि आप लोगों को बारगेनिंग जो है वो करनी ही करनी होती है, और अगर कोई भी बंदा बारगेनिंग नहीं करे तो मतलब ये लूट लेते हैं, ये आपको बड़ा ज़्यादा रेट बताएंगे, और 100 रुपीज़ की चीज़ बताएंगे आपको, और वो आप कम करवा करवा के 10 रुपीज़ की ले सकते हो, इतना मतलब कम हो सकता है। और यहाँ पर हर एक जैकेट, शूज़, हर एक कपड़े की जो है फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी, और यहाँ पर सामान एकदम मतलब देख के लेना है आप लोगों ने। और स्वीट शॉप्स वगैरह भी, हर हर किस्म की शॉप है यहाँ पर, और मतलब छोटा से बड़ा मिडिल क्लास बंदा भी यहाँ पर हर हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। तो मतलब मेन मार्केट ही मिडिल क्लास बंदों के लिए बनाई हुई है, और ये देखो सेल्स वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो गैस अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को यहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है ये ज़्यादातर क्लॉथिंग के लिए जो है बेस्ट सूटेड है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप लोगों को जो है गफार मार्केट जाना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि गफार मार्केट में आपको आईफोन्स, DSLRs, GoPro वगैरह सब कुछ मतलब चीप रेट्स में मिल जाता है। और जो गफार मार्केट का व्लॉग है वो मैं आपको फिर कभी, अगर हम दिल्ली गए तो आई एम श्योर कि मैं आपको वो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, नेक्स्ट जो व्लॉग होगा जो होगा गफार मार्केट का होगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पर कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है, तो मतलब बहुत। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो है वो कॉपी वाले बंदे ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी बड़ा ब्रांड है उस ब्रांड की कॉपी मिल ही जाती है यहाँ पर। मतलब देखो आप, टैटू की भी शॉप है यहाँ पर, और देखो कितनी अच्छी अच्छी कॉपी, ये हर जगह कॉपी सी होगी, और मतलब चीप प्राइजेस पे तो आपको कॉपी सी मिलेंगी, ब्रांड थोड़ी मिलेगा गाइस। और ये देखो वीडियो बंद करने के लिए वो दोबारा से कह रहे हैं हमें, बट हम नहीं करेंगे। चलिए तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, और मुझे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर दिल्ली की मार्केट्स घूमने का, और यहाँ से बाहर जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। नियर अबाउट हम कोई 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, और अभी हमने आश्रम की ओर निकलना है, बट अभी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गिम्बल वगैरह सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है, गोरिल्ला पॉड, गिम्बल, आई लेंस वगैरह, यहाँ पर जैकेट्स वगैरह बहुत सस्ती मिलती है, बट हमारे पास बैग वगैरह की सुविधा नहीं है यहाँ पर, तो इतना सामान हम कैरी नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा शॉपिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे और सीधे आश्रम की तरफ निकलेंगे। तो गाइस गाइस ये है आश्रम, और अभी हम आपको अंदर का नज़ारा बताएंगे, और अभी थोड़ी देर हम यहाँ पर फ्रेश होंगे, और यहाँ पर थोड़ी मतलब भक्ति वगैरह करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, गौशाला है यहाँ पर, एंट्री गेट है यहाँ पर आश्रम का। तो मतलब यहाँ पर अंदर आते ही मुझे मतलब थोड़ा सुकून सा हुआ है, मेरे मन को थोड़ा सुकून हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मतलब ऐसे दिमाग पूरा। तो गाइज ये है पीठ, और अभी यहाँ पर आते ही मुझे मतलब बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर असली पीस का एक्सपीरियंस हो रहा है, और मतलब
बड़ी मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आप लोगों के अंदर आती है जब भी आप आश्रम में आते हो। तो आप देख सकते हैं, और अभी इसके बाद हम सीधे वहाँ पर चांदनी चौक को निकलेंगे। ये व्यासपीठ है और अभी हम आपको आश्रम की पूरी सराउंडिंग्स बताएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे चांदनी चौक को। तो अभी फिर उसके बाद हम आपको 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो अभी हम इसके बाद चांदनी चौक निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पहाड़ कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो इतना अच्छा यहाँ पर मनोरमा दृश्य दिख रहा है गाइस, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर आश्रम से। तो अभी मन भी नहीं कर रहा है कि बाहर जाने का। तो गाइस ये है हमारा साहित्य सेवा केंद्र, यहाँ पर आपको आश्रम की जो भी है दवाई वगैरह मिलती है, और ये पंडाल है यहाँ पर। और अभी आपको ये जो दिखा रहे हैं ये बड़दाता है यहाँ पर, कहते हैं कि कोई भी मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है बड़दाता के आगे। तो ओ गाइस, तो अभी हम सीधे जा रहे हैं चांदनी चौक में। आई एम सॉरी गाइस, आपको चांदनी चौक का व्लॉग नहीं दिखेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके कारण, और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आपको चांदनी चौक का दिखेगा। फूड व्लॉग है चांदनी चौक का, पराठे वाली गली, आपको पानी पूरी और रबड़ी कुल्फी, आपको पराठे हर एक व्लॉग मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, ओके बाय।